एक जो दलित परिवार से आते थे उनकी हत्या करवाने का काम किया। किसान यूनियन ने जो निर्णय लिया है उन्होंने सीधे तौर से कहा कि मैं इसका सम्मान करता हूँ और जो मुझे सजा मिला है, दंड मिला है, मैं उसको कबूल करता हूँ। और हमें सजा इसलिए दिया गया ताकि भाजपा कार्यकर्ता से हम बिना कमेटी के निर्णय लिए जाकर मिल लिए थे। देखिए, आंदोलन व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं है, ये आंदोलन देश के किसानों का है। नहीं देखिए, जाना चाहिए, मृत्यु तो किसी का नहीं होना चाहिए और किसी के परिवार का आंसू पोंछना भी गलत नहीं है, लेकिन एक बार कमेटी के लोगों से बात कर लेना चाहिए था। और खुद योगेंद्र यादव जी ने ये बात भी कही है कि हमने नहीं पूछकर ये बात गलत किया है, और इसको योगेंद्र यादव जी ने माना भी कि हमने गलत किया, सलाह लेने की जरूरत थी। देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया। जब शुरुआती दौर से आंदोलन हुआ उस समय कहते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, यह किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान है। उसके बाद जब आंदोलन चलने लगा तो यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकर कहते थे रोड खाली करो, दिल्ली पुलिस रोड खाली कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और तो और सिंधु बॉर्डर पर आपने देखा होगा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बजरंग दल के लोग जाते थे और पत्थरबाजी करते थे किसानों पे और कहते थे कि हम यहाँ का स्थानीय नागरिक है, रोड जाम करने से हमको परेशानी है। उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को सिंधु बॉर्डर पे भेजकर एक जो दलित परिवार से आते थे उनकी हत्या करवाने का काम किया। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये लोग तरह तरह के एजेंडे चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन एकदम नीति और नियत साफ है। सीधे तौर से किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और बात कहें योगेंद्र यादव जी वाला बात, उनको किसान यूनियन ने जो निर्णय लिया है उन्होंने सीधे तौर से कहा कि मैं इसका सम्मान करता हूं और जो मुझे सजा मिला है, दंड मिला है, मैं उसको कबूल करता हूं और और जो निर्णय लिया गया मैं उसको सम्मान करता हूं और हमें सजा इसलिए दिया गया ताकि भाजपा कार्यकर्ता से हम बिना कमेटी के निर्णय लिए जाकर मिल लिए थे, इसलिए सजा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसका सम्मान करता हूं। देखिए, आंदोलन व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं है, ये आंदोलन देश के किसानों का है। जो किसान दिल्ली नहीं भी आया है, अपने घेरों में, घरों में, खेतों में काम कर रहा, ये आंदोलन उसकी है। जिसके प्लेट में खाना छीना जा रहा है इस देश के गरीब लोगों को, लड़ाई उसकी भी है। क्योंकि अगर ये तीनों कृषि कानून लग जाता है तो ये सरकार 100 रुपये किलो चावल पे। क्या योगेंद्र यादव गलत मिले क्या, बीजेपी कार्यकर्ता के घर अगर चले गए उनकी मृत्यु होगी तो? नहीं देखिए, जाना चाहिए, मृत्यु तो किसी का नहीं होना चाहिए और किसी के परिवार का आंसू पोंछना भी गलत नहीं है, लेकिन एक बार कमेटी के लोगों से बात कर लेना चाहिए था। और खुद योगेंद्र यादव जी ने ये बात भी कही है कि हमने नहीं पूछकर ये बात गलत किया है। देखिए, भाजपा का गलत नीति रहा है हमेशा से और भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति शुरू कर देती है कहीं पर भी सत्ता को बचाने के लिए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए। आज मिलना इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ, जो उन्होंने पोस्ट डाली थी उसको लेकर ज्यादा दिक्कत हो देगी क्रिया के प्रति? नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं ना, उन्होंने जो मिला और मिलने के बाद पोस्ट डालने का काम किया अपने फेसबुक आईडी पे, तमाम जगहों पर, उससे कमेटी के लोगों में नाराजगी इस बात से थी कि आप अगर इतना बड़ा कदम उठाएं तो एक बार कमेटी के लोगों से सलाह लेनी चाहिए था। और इसको योगेंद्र यादव जी ने माना भी कि हमने गलत किया, सलाह लेने की ज़रूरत थी। और ये बात तो खत्म हो गई और स्वीकार भी कर लिया योगेंद्र यादव जी। लेकिन सर, पहले चढ़ूनी को एक हफ्ते के लिए हटा देना, अब योगेंद्र यादव को, ऐसे टूटनी पड़ेगी, फूटनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, किसान आंदोलन अटूट रिश्ता है और ये संगठन जो है पूरे तरीके से अटूट है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। बस इसको भाजपा के लोग और सरकार में बैठे लोग और गोदी मीडिया जो सरकार की दलाली कर रही है उसको हवा बनाने का काम कर रही है। सिंधु बॉर्डर पे घटना घटा, हमारे भाई के साथ जो हत्या हो गई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं उसके परिवार से? मीडिया वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? उसके न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब घटना हुआ उस समय सामने सच्चाई नहीं आया था, खूब रोना रो रहे थे, लेकिन जब सच्चाई पता चल गया, सीध हो गया कि भाजपा के लोग ये कांड किए हैं, तो अब मीडिया एक शब्द नहीं बोल रही है। किसान नेता भी तो नहीं जा रहे ना? किसान नेता तमाम लोगों को जाना चाहिए, उनको न्याय की बात करना चाहिए, क्योंकि किसी का आंसू पोंछना सबसे बड़ी बात होती है, किसी के दुख में खड़ा होना सबसे बड़ी बात होती है। आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है,
तमाम जगहों पर हल्ला है, देखो नरेंद्र मोदी पी गया खेल, देखो नरेंद्र मोदी का खेल पी गया डीजल पेट्रोल, तमाम तरह का हल्ला है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री से बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, इस्तीफा दे दो मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, इस्तीफा दे दो मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, इस्तीफा दे दो मोदी सरकार, इस तरह के नारे लग रहे हैं देश में, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी, बोलिए तो सही। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी के लेकर, माँ बहनों को सुरक्षा कर लेकर, किसानों को लेकर हाहाकार मचा हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को महोत्सव मनाने से फुर्सत मिलेगा तब तो। 5 लाख लोगों को मार दिए प्रधानमंत्री जी, कोरोना महामारी में मार दिए और महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आना चाहिए कि जिस देश में किसी बीमारी से 10 लाख लोग मरा हो और कुछ दिन के बाद आप महोत्सव मना रहे हैं, टीका महोत्सव, राशन वितरण महोत्सव, वैक्सीन महोत्सव, क्या चल रहा है भाई? देश हमारा विपद परिस्थिति में है, देश हमारा विकट परिस्थिति में है और आप महोत्सव मना रहे हैं। लोग कोरोना में मर गए, बेरोजगारी से मर रहे हैं, 5 लाख जिनके परिवार के लोग मर गए उनको न्याय की बात नहीं की है। जो लोग कोरोना महामारी से मर गए उनको 4 लाख रुपए खाता में नहीं भेज रहे, महोत्सव से देश चलेगा। आपने देखा होगा बिहार के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, उसमें लड़कियां नाच करती थी, लौंडों के नाच चलता था। अरे भाई मजाक चल गया स्कूल का, स्कूल में शिक्षा को ये लोग नरक बना दिए। राशन वितरण के नाम पे देखा आपने, लड़कियों को नचाकर भाजपा के नेता राशन वितरण कर रहे हैं, डीएम कलेक्टर राशन वितरण कर रहे हैं, विधायक राशन वितरण कर रहे हैं। भाई तुम राशन वितरण कर रहे थे कि या मजाक कर रहे थे? पर लोगों को तो अच्छा लगता है ना जो भी बीजेपी करती है? नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोगों को अच्छा लगाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है। आज देखिए ना, मोदी जी जो कर रहे हैं उनको अच्छा दिखाया जा रहा है और उनकी बुराई को नहीं दिखाया जा रहा। देश किस स्थिति में है उसके बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा। जो पत्रकार हैं, अंजना आप कश्यप की बात कीजिए, श्वेता सिंह की बात कीजिए, अमेश देवगन की बात कीजिए, दीपक चौरसिया की बात कीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के स्टूडियो में? मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो देश गुलाम जा रहे। भाई क्या कर रहे हो तुम, मजाक बना दिए हो देश को क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि किसानों को आंदोलन करने से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लंबे समय तक आप रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं, तो ये किसानों के बारे में नहीं बोले हैं। दिल्ली सरकार, मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के बारे में ये टिप्पणी हुआ है कि जो रोड, जो बॉर्डर पे रोड जाम किया गया है ये पुलिस वाले की है, किसान नहीं किए हैं। तंबू हटा नहीं रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि मैं तंबू हटा नहीं रहा था, तंबू को बदल रहा था, तंबू पुराने हो गए थे। तो